हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर, जिसका नाम है ऑटो ट्यून। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 की कीमत में हुई बढ़ोतरी के बारे में। देश की दिग्गज दो पहिया बाइक निर्माता रॉयल इनफील्ड ने एक बार फिर अपनी सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली बाइक क्लासिक 350 की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। क्लासिक 350 के सभी वेरिएंट पर बढ़ोतरी की गई है। कंपनी ने क्लासिक 350 के दामों में पहले के मुकाबले 6,000 रुपये से ज़्यादा का इजाफा किया है। पहले इसके मॉडल की शुरुआत 1,61,688 रुपये से होती थी, जो अब बढ़कर 1,67,235 रुपये हो गई है। कीमतों के अलावा कंपनी ने अपनी इस बाइक में और भी किसी तरह का बदलाव नहीं किया है। क्लासिक 350 ब्लैक की कीमत अब 1,75,405 रुपये हो गई है, जो पहले 1,69,617 रुपये थी। इसके अलावा गन ग्रे स्पोक व्हील बाइक की कीमत 1,71,453 रुपये से बढ़कर 1,77,294 रुपये कर दी गई है। वहीं क्लासिक 350 का सिंगल एयर बॉन्ड ब्लू अब 1,85,902 रुपये में उपलब्ध होगी, जो पहले 1,83,164 रुपये की कीमत पर बेची जा रही थी। इसके गन ग्रे एलॉय व्हील वाले मॉडल की कीमत 1,89,360 रुपये हो गई है, जो कि पहले 1,79,809 रुपये में उपलब्ध थी। क्लासिक ऑरेंज एम्बर और मेटेलिक सिल्वर को अब ग्राहक 1,89,360 रुपये में खरीद सकेंगे, जो पहले 1,79,809 रुपये में उपलब्ध थी। वहीं स्टेल्थ ब्लैक और क्रोम ब्लैक की कीमत 1,92,608 रुपये हो गई है, जो पहले 1,86,319 रुपये में उपलब्ध थी। ये सभी कीमतें अहमदाबाद के एक शोरूम प्राइस पर आधारित हैं। कंपनी जल्द ही देश में अपनी सबसे ज़्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल क्लासिक 350 के अपडेटेड एडिशन की पेश करने की योजना बना रही है। नेक्स्ट जनरेशन क्लासिक 350 को पहले ही कई बार भारत की सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। उम्मीद की जा रही है कि नई जनरेशन की क्लासिक 350 को कंपनी इस साल के अंत में भारत में लॉन्च कर देगी। बताया जाता है कि नई क्लासिक 350 के इंजन का प्लेटफॉर्म मीटियोर 350 के इंजन पर आधारित हो सकता है। इसके अलावा नए क्लासिक 350 में ट्रिपर टर्न बाय टर्न नेविगेशन फीचर दिया जा सकता है। इस फीचर का इस्तेमाल मीटियोर 350 और हाल ही में लॉन्च किए गए 2021 हिमालयन में किया गया है। रॉयल इनफील्ड की क्लासिक 350 में 346 सीसी की क्षमता के सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो कि 19.1 bhp की पावर और 28 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जनरेट करता है। तो दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।